तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं सालार और डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर डंकी और सालार में कौन सी मूवी सबसे आगे निकल रही है और इन दोनों मूवी में से कौन कौन सी मूवी किस किस का रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैसे दोस्तों अगर आप भी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी अपडेट जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर डंकी अपने 11 दिनों में कितने का कलेक्शन कर चुकी है और यह मूवी कौन कौन सी मूवी को पीछे छोड़ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने पहले दिन लगभग 29 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था और यह मूवी ने दूसरे दिन सिर्फ 20 करोड़ 12 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। वैसे में दोस्तों इस मूवी के तीसरे दिन थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला था और यह मूवी तीसरे दिन लगभग 25 करोड़ 61 लाख रुपये कलेक्शन करती हुई नजर आई और यह मूवी अपने चौथे दिन भी ठीक ठाक ही कलेक्शन करती हुई नजर आई और यह मूवी अपने चौथे दिन लगभग 30 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके पांचवें दिन थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला था और यह मूवी पांचवें दिन सिर्फ 24 करोड़ 26 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के छठवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी ने छठवें दिन लगभग 11 करोड़ 32 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके सातवें दिन यह मूवी बहुत ज्यादा ड्रॉप दिखाती हुई नजर आई थी और यह मूवी सातवें दिन सिर्फ 10 करोड़ 56 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई और इसके आठवें दिन सिर्फ 8 करोड़ 21 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी। वैसे में इस मूवी का पहले वीकेंड का टोटल कलेक्शन 160 करोड़ 22 लाख रुपए हो चुका था। वहीं अब बात कर लेते हैं इस मूवी के नौवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी ने नौवें दिन सिर्फ 7 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर रही थी। वहीं अब बात कर लेते हैं इस मूवी के दसवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो यह मूवी ने दसवें दिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 11वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। यह मूवी अपने 11वें दिन सिर्फ 11 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। वैसे में इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 187 करोड़ 97 लाख रुपए हो चुका था और यह मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 370 करोड़ 60 लाख रुपए का कर चुकी थी और इस मूवी का ओवरसीज कलेक्शन 140 करोड़ रुपए हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि इस मूवी का टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 225 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका था। अब वहीं बात कर लेते हैं सालार के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर सालार कितने का कलेक्शन कर रही है और सालार ओवरसीज से कितने का कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने पहले ही दिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और इस मूवी ने सिर्फ इंडिया से ही लगभग 95 करोड़ 70 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं आपको बता दूं कि इस मूवी के दूसरे दिन भी यह मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आई और यह मूवी ने दूसरे दिन लगभग 66 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती हुई नजर आई। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी ने तीसरे दिन लगभग 65 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके चौथे दिन भी यह मूवी लगभग 46 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके पांचवें दिन बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला था और यह मूवी अपने पांचवें दिन सिर्फ 24 करोड़ रुपए का ही इंडियन नेट कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इस छठवें दिन यह मूवी 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस मूवी के सातवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने सातवें दिन लगभग 12 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन करती हुई नजर आई। वैसे में इस मूवी के पहले वीकेंड का टोटल कलेक्शन 315 करोड़ रुपए हो चुका था। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के आठवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने आठवें दिन लगभग 9 करोड़ 62 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई, लेकिन इसके नौवें दिन यह मूवी लगभग 12 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के दसवें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने दसवें दिन लगभग 15 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। वैसे में इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 365 करोड़ रुपए हो चुका था। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के ओवरसीज यानी कि विदेशों से इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 140 करोड़ रुपए का हो चुका था और यह मूवी टोटल ग्रॉस कलेक्शन 420 करोड़ रुपए का कर चुकी थी और इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 560 करोड़ रुपए हो चुका था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यह मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आपने डंकी और सालार में कौन सी मूवी देखी, हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।